दूर दूर गांवों से आना हो, मैं आप सबको सचमुच में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप में से कई लोग सुबह 5-5, 6-6 बजे चले होंगे। ये प्यार, ये आशीर्वाद शायद ही किसी को ऐसा सौभाग्य मिलता होगा जो आशीर्वाद आप मुझे दे रहे हैं। साथियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा यानी बागड़ की इस पावन धरा पर मुझे अनेक बार आने का अवसर तो मिला है। कई बार ये पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है कि हम राजस्थान में हैं कि गुजरात में हैं। और यहां तो सैकड़ों सालों से मावजी महाराज का चौपड़ा खुलता रहा है, जिस धरती को सटीक भविष्यवाणी के लिए मावजी महाराज का आशीर्वाद मिला है, वहां ये साफ साफ दिख रहा है कि भाजपा आ रही है। और ये भूमि मावजी महाराज की तपस्या की भूमि है। यहां से निकली हुई हर भविष्यवाणी 100% सही निकलती है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? तो मैं मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज एक भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं। करो, मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरी नहीं है, इस पवित्र धरती की ताकत है कि मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं और मावजी महाराज की क्षमा मांग करके बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। कभी भी नहीं, ये मावजी महाराज की धरती पर से बोले गए शब्द है और ये मावजी महाराज की धरती से बोला गया शब्द कभी गलत नहीं हो सकता है। कांग्रेस के लोग जहां भी वोट मांगने जा रहे हैं वहां उनको एक ही जवाब मिल रहा है, एक ही जवाब मिल रहा है, लोग कहते हैं बच्चे बच्चे बोलते हैं, बूढ़े बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, वृद्ध माताएं बोल रही हैं, महिलाएं कह रही है, गहलोत जी, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। और अब तो ये बात राजस्थान में सोशल मीडिया में बच्चों में जैसे स्पर्धा चल पड़ी है, हर घर से बच्चे वीडियो पर ये वाक्य रख करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। बच्चे भी बोल रहे हैं गहलोत जी,
नहीं मिले वोट जी। मेरे परिवारजनों, वागड़ क्षेत्र तो कांग्रेस के कुशासन का बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा है। कांग्रेस के कुशासन से कैसे युवाओं के सपने चकनाचूर हुए हैं, ये डूंगरपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में हर सरकारी भर्ती में घोटाला किया है, किया है कि नहीं किया है? घोटाला ही घोटाला किया है ना। कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए। ये आपके साथ जुल्म है कि नहीं है? आपके बच्चों के साथ अन्याय नहीं है कि नहीं है? आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? ऐसे लोगों को राजस्थान की धरती पर से चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिन्होंने चुन चुन कर आपके बच्चों के भविष्य को तबाह किया है, उनको भी चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करोगे? जरा पीछे से हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए, करोगे? शाबाश। कांग्रेस के पाले हुए पेपर लीक माफिया ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। आज जो कांग्रेस नेताओं के यहां छापे में निकल रहा है, आज जो लॉकरों से सोने की ईंटें निकल रही हैं, काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र ने आपको कुशासन वाली इस कांग्रेस सरकार को बदलने का मौका दिया है। ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे ना। कभी कभार एक छोटी गलती 5 साल भुगतने के लिए मजबूर कर देती है। आपका एक वोट भी कमल के फूल के अलावा किसी दूसरे तीसरे दल को मिला तो वो सीधा कांग्रेस को ही जाएगा। ये जो दूसरे लोग खड़े हैं ना, वो उनकी योजना से खड़े हैं, तो ऐसी गलती नहीं करोगे ना। ये जरा घर घर जाके समझाना। ये पिछली बार भी पाप कर गए, आपको आंखों में धूल झोंक गए, और इस बार नया नाम लेकर के कर रहे हैं, और इसलिए आपको याद रखना है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करो। राजस्थान को दंगों, अपराधों, बहनों बेटियों पर अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्त करो। राजस्थान से कांग्रेस की विदाई इसलिए भी जरूरी है
ताकि यहां केंद्र सरकार की हर योजना तेजी से लागू हो। मोदी कितना ही चाहे, आपको कितना ही प्यार करे, सब कुछ करने के लिए पैसे भेजे, लेकिन जयपुर में अगर ऐसे लोग बैठ जाए कि पहुंचेगा ही नहीं, तो मोदी भी क्या करेगा। तो मोदी को भी तो काम करने का मौका मिलना चाहिए ना। आपके सपने मेरे संकल्प है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं, और इसलिए सारी रुकावटें दूर करिए। 21वीं सदी के राजस्थान को विकास के लिए निवेश और नौकरी बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। आप लोग तो गुजरात के हर गली मोहल्ले को जानते हो, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो गुजरात में गया ना हो या उसके रिश्तेदार गुजरात में रहते ना हो। इतनी प्रगति वहां दिख रही है, राजस्थान में क्यों नहीं दिख रही है भाई? वहां की जनता ने कमल पर भरोसा किया, भाजपा पर भरोसा किया, तेज गति से आगे बढ़ते चले गए, और यहां उनके घर भरते गए, उनके बंगले बनते गए, आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस चाहे वादों की पूरी लाल डायरी उसी को लेकर के क्यों न घूमती फिरे, मोदी की गारंटी इनके हर झूठे वायदों पर भारी है। गरीब कल्याण, जन कल्याण को लेकर कांग्रेस से, जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, कांग्रेस ने दशकों के अपने शासनकाल में जो सोचा तक नहीं, वो बीते 10 साल में आपके सेवक ने देशवासियों के चरणों में समर्पित कर दिया। किसी ने भी नहीं कल्पना की थी कि कभी भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा। क्या कभी सोचा था 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त राशन? ये कांग्रेस सरकार थी जिसके राज में अनाज सड़ जाता था, लेकिन इन्होंने गरीबों को अनाज देने से मना कर दिया था। गरीब की मां के कोख से पैदा हुआ है बेटा, वो आपकी चिंताएं समझता है, आपकी मुसीबतें समझता है, और इसलिए आपके इस सेवक ने संकल्प लिया है कि मुफ्त राशन की ये योजना आने वाले 5 साल तक चालू रहेगी। साथियों, कभी गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा, दवाएं 80% सस्ती होगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। मोदी ने आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि केंद्रों से ये भी संभव कर दिखाया। कांग्रेस ने तो गरीब को, आदिवासी को झुग्गियों में रखा, खुले में शौच के लिए मजबूर किया। कांग्रेस ने गरीब को धुएं में जीने के लिए मजबूर रखा, पानी के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर किया। देश की करोड़ों बहनों ने कांग्रेस से कभी उम्मीद भी नहीं की थी उन्हें इन मुश्किलों से मुक्ति मिलेगी, और इसलिए मैं कहता हूं
जहां से कांग्रेस से उम्मीद बंद होती है, जहां से कांग्रेस से उम्मीद